हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोलोमन इंडियन 4K। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज होगा ये वाला बहुत ही नॉर्मल ब्लॉग जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेरा नॉर्मल ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ त्रिपुरा छोड़ के भाई मैं बांग्लादेश जाऊंगा। आज त्रिपुरा में बिल्कुल भी नहीं रहना है मुझे। त्रिपुरा में साला मुझे कोई देखता ही नहीं, इसलिए मैं आज बांग्लादेश चला जाऊंगा। ये देखिए मेरे दोस्त लोग, देख सकते हो ना, तेरे को छोड़ के आ जाऊंगा। मैं बांग्लादेश जाऊंगा भैया, तेरे को छोड़ के आ जाऊंगा यहाँ पर जाकर। ओके, कोई बात नहीं। त्रिपुरा में मुझे कोई देखता ही नहीं है साला, इसलिए मैं सुबह सुबह निकल पड़ा भाई बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश जाके रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हम ट्रेन से जाएंगे। ये हम ट्रेन के पटरी के करीब पहुंच गए, देख सकते हो। अभी भाई ट्रेन से जाएंगे। ये रास्ता कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लेंगाबोन बहुत होता है, देखिए। फाइनली अभी हम तो सब रूम में पहुंच ही गए। अभी थोड़ा और दूर बाकी जाना है, जहाँ तक मतलब बांग्लादेश है। तो फिर बांग्लादेश में हम चले जाएंगे भाई आज, तो देखेंगे भाई जाके, क्योंकि त्रिपुरा में मुझे कोई देखता ही नहीं है। तो आज भाई बांग्लादेश पे पहुंच जाएंगे भाई, चला जाऊंगा भाई मैं आज। मौसम तो ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा गार्डन गार्डन हो रखा है मौसम। बारिश आ रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है, देखो मेरा सब जो है बिक रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है भाई। ओ भाई सब, आज मेरे जाने का टाइम में बारिश आ रहा है। तो दोस्तों, अभी जो है मतलब कि बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ भी नहीं खा के आया, तो ये खाने वाला हुआ। अभी देख सकते हो केक, ये लोकल केक है जो हमारे भैया ने इस दुकान से खरीदा। हम लोग क्या बोलते हैं मेन रोड में पहुंच गए, ज़्यादा दूर नहीं, अभी हम पहुंचने वाला है। देख सकते हो ये सब रूम का मेन रोड है, तो अभी हम पहुंचने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैं बांग्लादेश चला जाऊंगा, आप लोग मुझे दुआओं में याद रखना, ठीक है ना। वैसे अभी हम पहुंच गए, देख सकते हो हमारे सामने मतलब कि चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या लिखा है भाई। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मतलब बांग्लादेश मैं क्रॉस कर रहा हूँ भाई धीरे धीरे। ज़्यादा दूर नहीं, मैं बांग्लादेश चला जाऊँगा आज, तो चला जाऊँगा, घर वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि त्रिपुरा में मुझे कोई देखता ही नहीं है साला। बांग्लादेश जाऊँगा तो बांग्लादेश लोग मुझे देखेंगे, ठीक है ना। अभी चला जाऊँगा बांग्लादेश पर। देख सकते हो अभी ये काम चल रहा है, शायद बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना गाइस, इस बिल्डिंग को मैंने ही बनाने के लिए दिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ। अगर मुझसे मिलना है तो भाई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है गाइस, देख सकते हो ना मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। 100 किलोमीटर चलने के बाद, पैदल चलने के बाद फाइनली हम लोग अभी बांग्लादेश पहुँचने वाला है। देख सकते हो हमारे सामने जो ब्रिज है, वो ब्रिज अभी हम क्रॉस करेंगे और बांग्लादेश पर चले जाएँगे भाई आज। तो भाई चले जाएँगे, सच्ची में चले जाएँगे, हम झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ है। 100 करोड़ से मैं पूरा का पूरा बांग्लादेश खरीद लूँगा आज। तो बांग्लादेश खरीदूँगा जो आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसा वाला खरीदूँगा लोग देख के भाई हैरान हो जाएंगे, ठीक है ना। और देख सकते हो भाई यहाँ पे कुछ नहीं, नहीं नहीं, ये क्या है, वो ये काटा है शायद, ठीक है ना भाई साहब। देख सकते हो ना, इसे अगर चुप गया भाई हालात खराब हो जाएगा। तो गाइस नज़ारा कुछ इस तरह से होता है, ऐसा वाला नज़ारा आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ऐसा वाला नज़ारा देख सकते हो आज यहाँ पे मौजूद है गाइस। देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से ये नज़ारा जो है ना होता है। तो गाइस उस मतलब उस पार जो है बांग्लादेश है और इस पार त्रिपुरा है,
क्योंकि यहाँ पे कुछ गेट वेट लगा के रखा हुआ है शायद इसकी वजह से थोड़ा बहुत भाई साहब हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है भाई। भाई देखिए 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 ओ भाई चेक करो व्यू को चेक करो व्यू ओ भाई साहब देख सकते हो ना बहुत ही खतरनाक। अभी मतलब आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं कुछ कांटे वगैरह जो यहाँ पे होता है ना देख सकते हो ना इस लाइन पे कैसे यहाँ पे बना के रखा हुआ है और इस साइड पे भी है गाइस देख सकते हो। मुझे कुछ बुखार बुखार सा हो रहा है ये देख के। तो गाइस यहाँ पे नो स्टॉप का गेट लगा हुआ है देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप का गेट लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ बॉर्डर लाइन क्रॉस के जो बॉर्डर लाइन होता है ना बॉर्डर लाइन ये देख सकते हो ये बॉर्डर लाइन यहाँ से ऐसे करके बॉर्डर लाइन यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे भाई बांग्लादेश देख सकते हो। गाइस आपको बता देता हूँ यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हम यहाँ से बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इसलिए हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो गाइस अभी मैं बांग्लादेश भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे बॉर्डर भाई नहीं जा सकते भाई बॉर्डर है क्योंकि सामने पुलिस वगैरह होंगे तो जाने नहीं देंगे शायद इसकी वजह से यहाँ पे बॉर्डर रखा हुआ है। तो आगे देखेंगे आगे क्या होता है ना होता है। तो भाई व्यू को एक बार चेक कीजिए व्यू को भाई इतना व्यू खतरनाक है भाई देख सकते हो बॉर्डर में जो ड्यूटी देता है ना भाई वहाँ पे शायद पग भी पहना हुआ है पंजाब का है शायद देख सकते हो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ गाइस देख सकते हो भाई सब खतरनाक मतलब देख सकते हो ना मेरे पीछे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला जो है ना वो त्रिपुरा और बांग्लादेश का बॉर्डर है शायद इस पार त्रिपुरा बोलते इंडिया इस पार है और बांग्लादेश इस पार है देख सकते हो ना। और भाई बांग्लादेश का भाई क्या ही बोलूँ भाई हमको जाने का मन कर रहा है देख के लेकिन जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिंह साहब बैठा हुआ है देख सकते हो ना गाइस देख सकते हो ना यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है भाई स्टॉप लिखा हुआ है। मेरे पास 100 करोड़ है फिर भी मुझे जाने नहीं दे रहे भाई मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ फिर भी मुझे जाने नहीं दे रहे उस पर। भाई साहब मैंने बोला था कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ चलो फिर भी मुझे जाने नहीं दिया चलो अब तो मुझे घर जाना पड़ेगा शायद सोचा था मैं त्रिपुरा छोड़ के बांग्लादेश चला जाऊँगा फिर भी साला मुझे जाने दिया नहीं दिया तो क्या करूँ मैं मैंने बताया कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ फिर भी मुझे जाने नहीं दिया साला इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी मुझे जाने नहीं दिया सोच के बुरा लगा यार अब बुरा तो लगेगा क्यों नहीं लगेगा तो दोबारा सोचो ये बात को नहीं नहीं अगली बार जा पाऊंगा 200 करोड़ लेके आऊंगा 200 करोड़ फिर जाने देगा मुझे 200 करोड़ ऐसे मुंह में फेंक के मारूंगा साला मुझे जाने देगा सच्ची अभी तो हाँ अभी अभी घर जाना पड़ेगा तो पहले दोस्त की यहाँ थोड़ा सा घुसेंगे यहाँ पे मेरा मतलब कि मेरा दोस्त जो है यह रहता है यहाँ पे उसकी यहाँ पे घुसेंगे फिर घर जाएंगे भाई। ये जो गड्डी देख रहे हो ना गड्डी ये गड्डी मेरा ही है हाँ मैंने इसे 10 लाख में खरीदा था देख सकते हो परसों खरीदा इस गड्डी को मैंने 10 लाख के लिए मतलब ये 12 पे दे के रखा हुआ है इससे मुझे महीने में ऐसे 2-3 लाख दे देता है क्योंकि मैं भाई 100 करोड़ का मालिक हूँ भाई 100 करोड़ का भाई का 2-3 लाख तो बेसिक पॉकेट में आ जाता है इसकी ऐसे मतलब ज़्यादा केयर नहीं करता मतलब चोरी वगैरह करता होगा सही मुझे पता नहीं बस गड्डी मेरा है भाई मुझे महीने में 2-3 लाख देता है बस काफ़ी है और क्या चाहिए भाई।